हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की ईयरली करंट अफेयर की मास्टर पीडीएफ लॉन्च हो चुका है, जिसमें 1000 प्लस एमसीक्यूज डिटेल में करवाई गई है और टॉपिक वाइज करवाया गया है। और इस पीडीएफ को आप नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। दोस्तों, कैसा लगेगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए, एक ऐसा तंत्र जो इंसान में, मनुष्य में सोचने, समझने एवं याद रखने का एवं विभिन्न जो अंग है उसके बीच में उसके कार्यों को सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का जो कार्य करता है वो है तंत्रिका तंत्र। और इसको ही हम तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं यानी कि नर्वस सिस्टम कहते हैं। देखिए, इसको तीन भागों में बांटा गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एंड की सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसको तीन भागों में बांटा गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त एंड की स्वचालित तंत्रिका तंत्र। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सबसे पहले आज देखेंगे। देखिए, मेन जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आज के इसमें वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखिए, सेंट्रल तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखिए हमारे शरीर का वह भाग है यानी कि पूरे संपूर्ण शरीर का वह भाग है जो शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण करता है और उसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, और इसमें ब्रेन, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुलोजी, दोनों को मिलकर हम देखते हैं कि इसकी स्थापना होती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। और ये एक तरह से हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का ही बड़ा हुआ भाग एक तरह से हमारा तंत्रिका तंत्र है। देखिए, इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। मस्तिष्क मानव शरीर का एक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है जो एक तरह से हमारे आदेश और जो भी हमारे तंत्र है उसको नियंत्रण का कार्य करता है हमारा ब्रेन। और ये शरीर को संतुलन एवं अन्य अनैच्छिक कार्यों का अपमान नियंत्रण, भूख, प्यास, परिवहन, ये सारी चीज़ों पर नियंत्रण करने का कार्य होता है हमारा ब्रेन का। ठीक है, और मस्तिष्क ही पूरे शरीर एवं तंत्रिका, स्वयं तंत्रिका तंत्र को जो है नियंत्रण करने का एक कक्ष है ब्रेन को माना जाता है। ब्रेन को हम अलग अलग चीज़ों में पढ़ेंगे, अलग अलग भागों में। उससे पहले देखेंगे कि जो ब्रेन है, ब्रेन एक क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है, यानी कि जो क्रेनियम एक इसका बाहरी भाग है जो हमारे ब्रेन को जो है बाहरी आघातों से बचाता है और इसको हम कहते हैं क्रेनियम या मस्तिष्क कोश कहते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मानव शरीर का जो मस्तिष्क है उसका औसत भार 1400 ग्राम होता है। और हम मानव शरीर जो मस्तिष्क है उसको तीन प्रमुख भागों में विभाजित करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें है फोर ब्रेन, जिसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे। देखिए, ये है सबसे पहले मस्तिष्क के विभाजन। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, देखिए अग्र मस्तिष्क, ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सेरिब्रम और डायंसीफेलोन के अंतर्गत। इसमें दूसरा है तो इसके अंतर्गत थैलमस और हाइपोथैलमस के बारे में पढ़ेंगे। और मध्य मस्तिष्क जिसमें हम पढ़ेंगे कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें और दूसरा पार्ट है इसका सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रल। और दूसरा है इसमें पश्चिम मस्तिष्क, इसके अंदर पढ़ेंगे हम सेरिबेलम पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो इन सारी चीज़ को हम वन बाई वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, जिसके अंतर्गत हमने भी पढ़ा है कि सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, सेरिब्रम सबसे मस्तिष्क का, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है और एक तरह से लगभग दो तिहाई हिस्सा हमारा मस्तिष्क का होता है सेरिब्रम। और ये चतुराई यानी कि बुद्धि और जो चतुराई के जो केंद्र होता है वो सेरिब्रम। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा मानव शरीर में सोचने समझने की शक्ति हो गया, ये किसी कार्य की करने की जो प्रेरणा होती है, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, इन सारी चीज़ों को जो नियंत्रण करने का कार्य होता है वो हमारा सेरिब्रम का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है डायंसीफेलोन, इसके अंतर्गत हमने देखा कि दो चीज़ आता है हमारा थैलमस और हाइपोथैलमस। ठीक है, देखिए ये जो है ताप का आभास एवं दर्द, रोने जैसी इन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो थैलमस होता है वो हमारे दर्द और ठंडा गर्म इन सब चीज़ को पहचानने का कार्य करता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है इसके अंतर्गत ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे कि थैलेमस हमारे जो मस्तिष्क का वह भाग है जो दर्द, ठंडा एवं गर्म को पहचानने का कार्य करता है थैलेमस,
और हाइपोथैलेमस जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण करता है, और ये दोनों चीज़ आता है डायन्सीफेलोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आते हैं कि मध्य मस्तिष्क जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, ये मस्तिष्क का मध्य जो हमारे पूरे ब्रेन के मध्य में स्थित होता है, और इसमें हम देखते हैं कि इसका जो मेन कार्य होता है जो हमारे मध्य मस्तिष्क में संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित करने का एक केंद्र होता है मध्य मस्तिष्क। और इसके अंतर्गत हम दो चीज़ देखेंगे, कार्पोरा कॉर्डिजेमिना जेमिन, और इसमें देखेंगे कि देखिए इसमें ये शरीर की जो मस्तिष्क है उसके ऊपरी भाग में चार लोबनुमा उभार होता है, वो हमारा कार्डिजोमिना कहलाता है, और ये दृष्टि एवं श्रवण मतलब यानी कि देखना और जो हमारे सुनने की जो शक्ति होती है उस पर नियंत्रण करता है कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है, ये एक तरह तंतुओं का बंडल है, और हम देखेंगे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुदंड को जोड़ता है, यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगले देखते हैं इसमें पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन, ठीक है, जो कि हमारा जो अंतिम भाग होता है मस्तिष्क का यानी कि पिछला भाग होता है, और इसमें हम दो चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसको हम इसमें दो चीज़ आते हैं कि अनुमस्तिष्क जिसको हम कहते हैं सेरिबेलम और मैंडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, ये दो चीज़ इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम के देखिए इसमें क्या होता है कि ये हमारी एक तरह से जो पॉस्चर होता है एवं हमारी संतुलन ऐसिक जो पेशी है उसकी गतियों पर नियंत्रण करता है सेरिबेलम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्य कार्य होता है शरीर के कार्य को संतुलन बनाए रखना और ऐच्छिक पेशियों पर इसका जो है नियंत्रण करना सेरिबेलम का काम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे मैंडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है, ये एक तरह का बेलनाकार रचना होती है हमारे मस्तिष्क में जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड के रूप में जो है पाया जाता है, या मेरुजज जिसको हम कहते हैं मेरुजज या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यह श्वसन को नियंत्रित करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये श्वसन को नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये हमारे हृदय एवं उल्टी एवं वास मोटर एवं हृदय की गति जो ब्लड प्रेशर होता है इन सारी चीज़ों पे हमारा जो नियंत्रण करने का कार्य होता है हमारा मैंडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, तो देखिए ब्लड प्रेशर हो गया, श्वसन संबंधी सारी चीज़ें कहाँ कौन नियंत्रित करता है मैंडुला ऑब्लिगेंटा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पॉन्स और सेरिबेलम और मैंडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है, तो अभी देखा कि जो मैंडुला है और सेरिबेलम ये सारे हमारे पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्य यानी कि इनवॉलंटरी एक्शन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये जो हमारे नियंत्रित किया जाता है ये हमारे मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है, तो देखिए अभी हमने बताया कि जो मस्तिष्क को सुरक्षित करने का कार्य कौन है वो है क्रेनियल, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट करेगा, ये हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है क्रेनियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखिए ये सेरिबेलम हमारा मांसपेशियों को संचालित करने का कार्य करती है, ठीक है, और दूसरा है शरीर को संतुलन बनाने का कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे ऑप्शन नंबर ये कहता है कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, नहीं, ये सबसे मस्तिष्क का सेरिब्रम होता है, सबसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिबेलम नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, और ये है यानी कि तंत्रिका यानी कि नर्वस सिस्टम में कोई भी इसके ऊतक में यानी कि इसके टिश्यूज में कोई भी विभाजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरॉन क्या है, देखिए न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र की एक आधारभूत इकाई है, यानी कि अगर हम कहा जाए कि जो न्यूरॉन क्या है एक तरह की जो ये तंत्रिका तंत्र की एक इकाई है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो देखिए मस्तिष्क के लिए क्या क्या कार्य होते हैं, देखिए सोचने का कार्य करता है, हृदय की गतियों पर नियंत्रण करता है, और शरीर को संतुलन बनाए रखता है का कार्य जो है हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का कार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की मस्तिष्क को कितने भाग में विभाजित किया गया, तो अभी ये हमने देखा कि जो इसको तीन भागों में बांटा गया, ठीक है,
सबसे पहले हम देखें कि जो प्रमस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा भाग हमने देखा था कि जो प्रमस्तिष्क होता है वो इसका सबसे बड़ा भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की बुद्धि का केंद्र कौन सा है? तो अभी हमने देखा कि जो मानव मस्तिष्क का जो बुद्धि का केंद्र होता है, सेरी ब्रह्म होता है। ऑप्शन नंबर सी। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरी ब्रह्म जो है मानव मस्तिष्क की बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो देखिए, ये कौन सा है ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये निगलने और उगलने के लिए जो एक नियामक केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में नियंत्रण का केंद्र कौन सा है? यानी कि मानव शरीर में वह नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी संतुलन एवं शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? ठीक है, यानी कि भूख, प्यास, संतुलन, इन सारी चीज़ को, टेम्परेचर, इनको कौन केंद्रित करता है, नियंत्रण करता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है एवं भूख, प्यास एवं ताप को जो है नियंत्रण का कार्य करता है हमारा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि केशरुकी रज्जू। देखिए, इसमें क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है कि एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं कि जैसे अगर कोई भी चीज़ गर्म है, अगर आप तुरंत उसको छूने जाएंगे तो तुरंत हमारी माइंड उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि इसको आप ना छूए, तो इसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? ठीक है, तो मानव शरीर में हमने देखा कि श्वसन जो कार्य होता है उसका केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है? देखिए, हमने बताया था कि मेडुला ऑब्लिगेंटा, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो श्वसन की क्रियाओं पे श्वसन एवं जो ब्लड प्रेशर है वो सारी चीज़ हमारा मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंतर्गत नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो देखिए, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के जो आधार पे है वहाँ पर ये स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का आधार अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से होता है? तो देखिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति की अगर कोई जीवित व्यक्ति है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो उसके ऊतक यानी कि टिश्यू, कौन से भाग का जो है टिश्यू मर जाते हैं? तो वो है मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन के जो है मस्तिष्क यानी कि जो इसके टिश्यू है वो जो है मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के थर्मोविनियमक केंद्र कौन सा है? यानी कि जो टेम्परेचर के लिए जो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइपोथैलेमस। अभी हमने देखा कि जो भूख, प्यास एवं ताप का जो नियंत्रण जो हमारे मस्तिष्क कौन से भाग में होता है वो है हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क को शामिल करने वाली उन प्रतिबिंब क्रियाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो मस्तिष्क में जो हमारी प्रतिबिंब होती है, जो क्रिया होती है, उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है उसको हम क्या कहते हैं? वो है सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो देखिए, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये इसका भार होता है 1400 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा ये वीडियो अब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर किया करिए। और इसके अलावा मैंने साइंस के 1 से 18 पार्ट बनाए हैं, आप लोग उसको जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।